तो भाई लोग कैसे हो। तो आज हम TVS अपाचे RTR 200 4B 2.0 यानी कि रेसिंग एडिशन जो अभी लॉन्च हुआ है वो दिखाने वाला हूँ और उसका रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है। और ये जो बाइक है हमारे एक दोस्त की है जिनका नाम है अमन और ये दिल्ली में रहते हैं और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, बाइक से रिलेटेड ही यूट्यूब चैनल है। चैनल का नाम है अमन एक्सट्रीम और इनके चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, रिव्यू वगैरह मैंने देखे, अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो अगर इनकी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जाओ देखो और थम्सअप करो, और अभी हमारी वीडियो को तो लाइक करो। और एक बात और, आप ये पूरी वीडियो देखो क्योंकि शायद आपके लिए 200 cc की बेस्ट बाइक हो। और जो भी आपका ओपिनियन हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको अनाउंस किया था, अब से एवरी मंथ हमारे चैनल पे और इंस्टाग्राम पे गिवे चलेंगे, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहाँ वाले गिवे में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस बाइक के लुक से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसका जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव है, और आप ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक और रेड कलर वाला वेरिएंट है। और इसकी ग्राफिक डिज़ाइन देखो, ग्राफिक जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके जो आप TVS का लोगो देखो अब चेंज हो गया है, ये थोड़ा सा और अच्छा लुक बनाता है। और इस रेसिंग एडिशन की खास बात ये है कि थोड़ा सा ये ओल्डर मॉडल से ज़्यादा एग्रेसिव लगती है और ज़्यादा आई कैची है। इसका कलर कॉम्बिनेशन और जो ओवरऑल बॉडी है, ओवरऑल डिज़ाइन है, ज़्यादा आई कैची है। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जो इंजन का टॉप वाला पार्ट है वो रेड कलर का है, जो कि फ्यूल टैंक के ऊपर रेड कलर की स्टिकरिंग की गई है उससे मिल रहा है और थोड़ा सा और लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट के लुक की। फ्रंट में अब इसमें आपको छोटा सा वाइज़र मिलता है और बाकी हेडलाइट देखो अट्रैक्टिव हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें थोड़ा सा LED हेडलाइट्स दिया गया होता अभी न्यू मॉडल में, थोड़ा सा और अच्छा लुक बन सकता था। और अब आप इसके रियर लुक देखो, तो रियर से भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है बाइक। और एक बात और, अगर आप इसको टॉप से देखो, जो फ्यूल टैंक के ऊपर जो रेसिंग एडिशन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई। अब आप इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखो, इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है विथ वाइट बैकलाइट। इसके बिल्ड क्वालिटी और लुक में कंक्लूजन में ये बोल सकता हूँ कि अभी तक मतलब इस टाइम पर सबसे बेस्ट लुकिंग नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है 1 लाख की रेंज में। बाकी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे, एक मिलता है कार्बोरेटर वेरिएंट, दूसरा मिलता है कार्बोरेटर प्लस ABS वेरिएंट, और तीसरा है फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट। और इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, तीनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, और डिस्प्लेसमेंट है 197.75 cc और 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फुल इंजन है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको पावर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कार्बोरेटर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 20.5 PS की पावर मिलेगी, और जो फ्यूल इंजेक्टेड वाला वेरिएंट है उसमें आपको 21 BHP की पावर मिलेगी। तो पावर में ऑलमोस्ट 0.5 का डिफरेंस है, मतलब आपको FI वाले वेरिएंट में 0.5 PS पावर ज़्यादा मिलेगी। और इसमें आपको 18.1 Nm का टॉर्क मिलता है। और इस बाइक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, और जो तीनों ही वेरिएंट है तीनों में ही आपको स्लीपर क्लच मिलता है। और गाइज आपको बता दूँ कि इस सेगमेंट में, या बोल सकते हो कि सबसे कम बजट में, केवल यही बाइक है जो आपको स्लीपर क्लच प्रोवाइड करती है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और गाइज ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आप इस बाइक को अपने बेस्ट ऑप्शन में रख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस की। और गाइज वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने इस बाइक को राइड नहीं किया है, और अभी तक ना ही मेरी सिटी में आई है। जैसे ही आती है तो मैं इसको राइड करूँगा, और हो सकेगा तो यूज़र रिव्यू भी करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी इसके परफॉर्मेंस पेपर में दिखती है, या कि फिर जो मेरे दोस्त ने बताई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके माइलेज की। जो कार्बोरेटर वाला वेरिएंट है उसमें आपको अराउंड 35 से 38 तक का माइलेज मिलेगा, और जो FI वाला वेरिएंट है उसमें आपको 38 से 40 तक का माइलेज मिलेगा। तो FI में आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज मिलेगा, और ये होता ही है। स्पेशली आपको नहीं पता तो FI वाला जो वेरिएंट होता है किसी भी बाइक का, उसमें थोड़ा सा माइलेज आपको ज़्यादा मिलता है, और साथ ही साथ में पावर भी आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा FI की ओर जाओ। लेकिन FI में एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि FI में आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिलता, तो जो कि थोड़ी दिक्कत है। और शायद इन फ्यूचर वो लोग प्रोवाइड करें FI में भी ABS का भी ऑप्शन आए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है।
अब बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की। तो गाइस इसमें आपको ABS का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो ABS है वो केवल कार्बोरेटर वाले में ही मिलता है। तो ये ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, आपको डुअल डिस्क मिलते हैं और साथ में आपको एक ABS वाला भी ऑप्शन है। तो अगर आप ABS की ओर जाएंगे तो ब्रेकिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव होगी, थोड़ी सी और अच्छी ब्रेकिंग होगी। और बस इस बाइक में एक और ख़ास बात है कि इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप स्पीड में होंगे, एक मान लो आप हाई स्पीड में होंगे, तो उस टाइम आपको जो इंजन की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिलेगी और जो क्लच है वो भी आपको सॉफ्ट फील होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी गियर शिफ्ट करने में। तो और बाकी लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन इतनी अच्छी है कि आप कॉर्नर्स में भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, सस्पेंशन भी सॉफ्ट है। और बाकी तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है वो मैं राइड करने के बाद ही बता पाऊँगा और शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और बाकी आप एक काम करो कि अगर आप 200 cc की बाइक लेना चाह रहे हो तो उसको भी अपने ऑप्शन में रखो और इसकी एक बार टेस्ट राइड लो और कुछ फीचर्स रिव्यूज़ वगैरह देखो, शायद ये आपके लिए सही हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।